हमारा जाति किसी से दूसरे के साथ कोई इतराज नहीं। सोच है डिफल्ट मिली, सोच है डिफल्ट मिली, उसका मौका है कि मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, उधर कर सकता हूँ। 2023 में भी मेज टू का लॉलीपॉप 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 मैं बताता हूँ, मैं आपको लेकर जाता हूँ जी। हमें भी 4-5 साल लग गए थे, 5 साल लग गए थे, कई कॉलम निगार कैमरा मैन उनके लिए काम आप क्या समझते हैं किस ग्रुप ने की है। कप्तान जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके रोजगार का भी बंदोबस्त करे, कप्तान जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके रोजगार का भी बंदोबस्त करे। लेकिन आप बोल दे अक्षर अंसारी को बोल दे, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ। आपका मानना है सर इस साल का जो ताज है वो अक्षर अंसारी के सर पे होगा, अक्षर अंसारी के सर पे होगा। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे प्रेस क्लब की एक शख्सियत से, मलक गजनफर आवान एडिटर सदाए लाहौर फोकल पर्सन जर्नलिस्ट ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम सर, लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है इस टाइम पे 2023-24 का, किसको जीतता देख रहे हैं, जर्नलिस्ट ग्रुप को, प्रोग्रेसिव को या पायनियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी नए ग्राउंड पे लेके जाऊंगा। जी सर, और आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि जीतेगा कौन हारेगा कौन। पहले देखिए, हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हमारा जाति किसी से दूसरे के साथ कोई इतराज नहीं है, ना अर्शद अंसारी का ना शहबाज के साथ है, ना आजम चौधरी के साथ है, ना मोइन अजहर के साथ है, ना नारे अमीन के साथ है, ना रहमान भुट्टा के साथ है, ना जो सदर है याद रखी उसके साथ है, ना मेरे साथ बतौर गजन पर हवा। हमारा आपस में जाति कोई इख्तलाफ नहीं है, सोच है डिफरेंट मिली। तो मैं सोचता हूँ कि इंसाफियत की फलाह के लिए जो काम करना चाहिए उसमें रफ्तार कम है। बिल्कुल, फिर होता है अपना अपना आइडिया, क्योंकि अगर इसे इस अंदाज से इसको किया जाता तो ज्यादा तेज हो जाता। अब देखिए, जो एड ब्लॉक वाले हैं या जो हमारे फेस टू वाले हैं वो कहते हैं अन्ना करे सारा कुछ डूबता है डूब जाए हमें दे दे। अब इसमें बतौर अर्शद अंसारी उसका मौका है कि मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, शहबाज साहब का मौका है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, आजम चौधरी का मौका है मैं बेहतर, पॉलिसी अपनी अपनी। लेकिन अब पॉलिसी को देखिए, हर एक ने अपना मंसूर रखा आगे अपने मेंबर्स के आगे, हमारे कुछ 2500 मेंबर हैं नॉर्थ वेस्ट क्लब के, उनके आगे अपना मंसूर रखा हुआ है। अब जिसको लगता है क्योंकि मेरा इसमें फायदा है, एड ब्लॉक वाले फेस टू वाले, अब सबको मिल सबको ये नजर आता है कि अगर साफी कॉलोनी बनी है तो उसके जो पायनियर है यानी कि उसका जो बानी है वो अर्शद अंसारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसका बानी अर्शद अंसारी है। अर्शद अंसारी ने ब्लॉक भी बनवाया, अर्शद अंसारी डेवलपमेंट टू के लिए भी फेस टू के लिए भी काम कर रहा है। अब लोग देख रहे हैं इनको कि कागजी कार्रवाई कहाँ पे होती है, अपनी कार्रवाई कहाँ पे होती है, ये जितने भी डेवलपमेंट है ये सारी अर्शद अंसारी की करवाई हुई है। बाकी देखिए, हमारे जो भी दोस्त हैं दरमियान में जो भी आते हैं वो फाइल में क्यों कर लेते हैं, ये फाइल यहाँ से उठा के उधर आ गया, उधर से उठा के उधर आता है, लेकिन उसको किसी प्रोजेक्ट को अपनी जमा नहीं पहना सके, अपनी जमा जब भी उसको मिला ये अर्शद अंसारी ने किया। और एंडन ईयर से फेस टू की बात हो रही है बार बार। यहाँ पे सर आपके सामने जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है या पायनियर ग्रुप है, वो 2023 में भी फेस टू का लॉलीपॉप पहले सहाफत को दे चुके हैं, मगर मैं यहाँ आपसे यही क्वेश्चन करूंगा, क्या आपको यकीन है कि अर्शद अंसारी साहब आगे फेस टू का आगाज कर देंगे? मैं बताता हूँ, मैं आपको लेकर जाता हूँ जी, काफ नीति हुकूमत यानी कि चौधरी परवेज लाई की हुकूमत, हमें जब फेस वन मैं भी लाती हूँ उसमें, मैं भी उसमें नॉमिनेट लेता हूँ, मुझे भी प्लांट मिला हुआ, मैं भी घर बना रहा हूँ, सब कुछ है। हमें भी 4-5 साल लग गए थे, कब्जा लेते लेते 8 साल लग गए थे, ये प्रोजेक्ट पैसे नहीं होते, सुबह लॉन्च किया और रात को आपको करते थे। हमारे साथी क्यों कह रहे थे सारे तो फेस टू वाले कह रहे थे कि फेस वन वाले से क्यों कह रहे थे, लेकिन देखे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इधारों के प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम लगता है। एक नियम लगती है जो हमारा फेस एड था, उन्होंने आज से 9 घंटे इसकी मुहिम चलाई है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी करूंगा कि अहले सहाफत में जो पहले 10-12 नाम होते हैं बड़े, उनको तो हर चैनल उठा लेता है, मगर कई कॉलम नगार कैमरा मैन उनके लिए काम आप क्या समझते हैं किस ग्रुप ने की है? देखिए,
मैं पहले तो आपको बताऊं कि प्रेस क्लब जो है इसकी ये कतई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके रोजगार का भी बंदोबस्त करे। ये एक खुद फैसिलिटेट इदारा है हमारा, जिसको हम अपने लफ्जों में एक जी एच को कह सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट हमें यहाँ मिलती है, यहाँ हमें जॉब नहीं मिलती। ये इदारा किसी के रोजगार का जिम्मेदार नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कालम लगा रहे हैं, फोटोग्राफर हैं, रिपोर्टर हैं, जो भी है, ये इदारा आपके रोजगार का जिम्मेदार नहीं है। अगर जो कोई तो ऐसा काम करता है तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा भी है। जो फंड्स मिलते हैं उसमें क्या आप समझते हैं कि इन गरीब लोगों का भी हाथ है? रूडा में बात हो रही है उनकी, उन्होंने मौका दे जाके प्रमोशन नकवी साहब से और बाकी इदारों से बात की थी, तो इंशाल्लाह अगर देखें 927 को केस बंद में तकरीबन 9290 को एम्प्लॉक में दे चुका है, तो जो बाकी हमारे 1800 लोग फेस टू में 1800 लोग हैं, अल्लाह करेगा उनको भी किस्मत होगी, उनको भी घर मिलेगा। लेकिन आप वोट दें, अक्षर अंसारी को वोट दें, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ किसी पे कोई इतराज नहीं, किसी पे कोई तनकीद नहीं, अक्षर अंसारी के घर जाएगा। आपका मानना है सर इस साल का जो ताज है वो अरशद अंसारी के सर पे होगा? सर देखिए जी, एक तो मैं खुद जर्नलिस्ट पैनल में हूँ, दूसरा मैं पीडीजे का फोकस पर्सन भी हूँ, तो मुझसे बात के कोई यकीन नहीं कर सकता या मुझसे बल्कि कौन मैच करेगा उनकी। मैं तो यही कहूंगा कि सारे रोज दौर प्रेस क्लब के 2000 या 2100 2200 वोट डाला जाता है, जो वोटिंग होती है ज्यादा से ज्यादा लोग भी तो जाएगा अरशद अंसारी, लेकिन एक वो कहते हैं कि सियासत में टू थर्ड मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी अगर जनरल पैनल को हो जाती है कि फेसबुक और एप प्लाव के जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह वो इसी साल हल हो। नाजरीन जो जज्बा मलक गजनफर अवान का अपने लीडर अरशद अंसारी साहब के लिए, उसे किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है कि तुझे किसने कहा कि तू अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही बख्शी है दिल की हुकूमत जाना, ये तेरी सल्तनत है तू सुल्तान बन के आया कर।